वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ना सोच रही थी कि ये वाली ब्लॉग मैं शुरू ही नहीं करूंगी, बट अभी जब मैं कॉलेज के पास आई हूँ तो ब्लॉग बनाना तो बनता ही है। एनीवेज आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट एंड जो भी होगा देखा जाएगा। स्टार्ट डे। जो कि बंद हो चुकी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एनीवेज मुझे तो पता ही है मेरी यूनिवर्सिटी है, आपको पता है, जिन जो लोग अभी पढ़ रहे होंगे उनको तो पता चल गया, अगर पता चला है तो लाइक कर लेना। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है। 5 minutes later. So finally we are here at a restaurant. और मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आई थी भाई के साथ पर, और हमारे साथ है हमारे CR। हेलो बोल लो। और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। क्या कहना है? थेसिस का बुक एक लाना था। यस, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? ये तो जाके आ चुका है, मैं जा रही हूँ अभी। तो मतलब एक्साइटेड तो नहीं हूँ कि कुछ भी नहीं हूँ, पर इस ड्रेस में जाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगती है, क्योंकि मैं ना कॉलेज हमेशा डिसेंट क्लोज में गई हूँ एक्सेप्ट एक्सटेसी। कॉलेज के जस्ट फ्रंट में फूड कोर्ट आए हैं क्योंकि हमें पीनी थी कोल्ड ड्रिंक। बाय द वे हमारी जो थीसिस है ना उसका एक बुक है जो एक्स्ट्रा हम लोग बनवाए थे, तो वही लेने के लिए आए थे। और पहले उन्होंने बोला साइन नहीं, और अभी बोल रहे हैं साइन हो चुका है। यानी बस लेके चलते हैं। स्प्राइट है? हम लोग पहुंच चुके हैं उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ये रहा सेकंड गेट, ये रही एक्स स्टूडेंट। कुछ तो यहाँ पे रख लिया है इतना बड़ा, अभी अंदर कैसे जाएंगे? नहीं, थोड़ा स्पेस है, जा सकते हैं अंदर, थोड़ा स्पेस है। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, एंड चेक आउट माय मेकअप जो कि मिट चुकी है पसीने से, बट एनीवेज आई लुक प्रिटी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ही हमारा क्लासेस होता है, एंड ऊपर से हमें मिलेगा हमारा थीसिस का बुक जो हमने सबमिट किया था। तो तेरा नया कॉलेज इससे बेहतर रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो 17 एकड़ का है। हाँ, वो 200 एंड समथिंग एकड़स का होगा, 300 समथिंग। हाँ, अबाउट 2 है, 600 एकड़। NIT भोपाल है 600 acres एंड NIT 300 acres। हम लोग आके पहुँच टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सामने। ये रहा हमारा आर की लॉबी, एंड यस लेट्स गो गाइस। कुछ कुछ नॉस्टैल्जिक कुछ फील नहीं हो रहा है मुझे। हाँ मैं यही हूँ, तू लेके आ जा। सो लेट्स टॉक। तो मैं आई हूँ अभी, लास्ट टाइम मैं आई थी एलुमनाई इंडक्शन के टाइम में, अभी उसके बाद सीधे आई हूँ, एंड इट डज नॉट फील वियर्ड, ठीक ही लग रहा है, ओके है। पर क्या मेरा दोस्त थीसिस लेके आता है, लेट्स टॉक गाइस।
तो पीछे आप जो देख रहे हो ये वाली डोर, ये वॉकशॉप का रीडिंग रूम है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का रीडिंग रूम है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ, वी यूज टू सिट हियर, मतलब हमेशा हमेशा यहाँ पे बैठा करते थे हम लोग। एंड फिर जो साफ सफाई करती हैं आंटी जी, वो सब आके यहाँ पे खाना खाती थी। तो देन वी मतलब हमने डिसाइड करा कि नहीं बैठते हैं, उनको मतलब प्राइवेसी देते हैं खाने के लिए। एनी वेज, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि कल या परसों, शायद आई एम नॉट श्योर, बट ओजी का फर्स्ट सिलेक्शन रिजल्ट निकल चुका है। एंड अगर तुम यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हो एंड यू आर वॉचिंग दिस, देन ऑल द बेस्ट गाइज। और ये बहुत अच्छा कॉलेज है, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम सिलेक्टेड हुए तो देन मतलब कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर एट गुड प्लेस। बस खुद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खुद अटेंटिव रहना पड़ेगा, टीचर्स के साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा, एलुमनाइज के साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा, एंड या यू आर गुड टू गो। तो मेरा दोस्त यहाँ पे लेके आ चुका है हमारा बुक थीसिस का, एक मेरा एक उसका है। तो ये रहा हमारा थीसिस का बुक, पूरा 4 साल का मेहनत गाइज। एनीवेज बता, प्लेसमेंट्स के बारे में बता, अगर कोई OUTR में प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग ब्रांच में। प्लानिंग का ऐसे नॉर्मली 4 या 5 ही कंपनी है, तो जो ऑल ब्रांचेस के लिए है उसी में से ही प्लानिंग का बच्चे बैठेंगे, एलिजिबल है। और हमारा प्लेसमेंट स्ट्रेटजी मतलब ये कितना था, सब क्या परसेंटेज ऑफ, हमारा इधर 50 से इस बार 4 गए थे। एंड मैं भी थी उसमें से एक, और ये भी था, और 2 लड़कियां थी, एक थी के सुबह लक्ष्मी और एक कौन था, कविता। और एक कविता थी। तो या वी 4 गॉट सिलेक्टेड, पर हमने ज्वाइन नहीं करा क्योंकि मतलब हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट से प्लानिंग के रिलेटेड नहीं था प्लेसमेंट, तो वी थॉट कि चलो ड्रॉप करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ अस विल बी डूइंग हायर स्टडीज, जैसे कि ये मेरा दोस्त कर रहा है हायर स्टडीज। एंड वही चलो चलते हैं, बुक तो मिल गया हमें, लेट मी शो। बेच रहे होंगे ये सारी चीजें जो भी है। सब बस है, और इधर से हम, इधर हमारा बस रुकता था और उधर हम लोग सीधे जाते थे पीछे। एंड या बट टू बी ऑनेस्ट, मिस तो नहीं करी बट करूंगी, मतलब अभी आई हूं ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पढ़ी आई हूँ कॉलेज में, और ऐसे कभी घूमने आई हूँ। इधर से एंट्री, उधर से एग्जिट है, और बीच में रास्ता, मतलब अच्छा पिल्लांग को कुछ असुविधा बनी, मतलब बीच में रोड। ये रहा APJ हॉस्टल, APJ अब्दुल कलाम हॉल ऑफ रेसिडेंस। मैंने अगर इसका मतलब अच्छे डिटेल टूर देखना है तो मेरे चैनल में जाना, वहाँ पे बॉयज असली करके एक वीडियो है, उसमें मैंने पूरा दिखाया है, पूरा अंदर एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज, सब कुछ मैंने दिखाया, शो किया है उसमें। तो वो जाके चेकआउट जरूर करना, मैं अंदर मतलब नीचे डाल दूंगी लिंक। इट्स आप जो देख रहे हो सीधे स्ट्रीट, दैट्स आवर ऑडिटोरियम, जो कि अभी तक बना नहीं था, और अभी मतलब बहुत अच्छे से, बहुत ऊंचा, मतलब हाइट वाइट हो चुकी है उसकी। पहले तो एक ही 1-story था ना, हमारे टाइम में 1-story ही था। तो चलिए, और ये वाला है हमारा वाइस चांसलर का घर, पहले यहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ था। ये है हमारा नया ऑडिटोरियम, पहले ये जो सीढ़ी टाइप का है ना उतना तक ही बना था, और अभी ये 2 मंजिल बन चुके हैं ऑलरेडी। एंड दिस वन इज योर हॉस्टल, ये वाली गर्ल्स हॉस्टल KHR है, कस्तूरबा हॉल ऑफ रेसिडेंट। एंड दूसरी वाली और एक है उस तरफ गर्ल्स हॉस्टल, so this one is Kasturaba Hall of Resident, and the other one is Kalpana Chawla Hall of Residence, जहाँ पे मेरे दोस्त रहा करते थे। ये रहा Kalpana Chawla Hall of Residence, Kasturaba Hall of Residence, ये वाली नई hostel है, मतलब नई मतलब बन चुकी थी। and this one is the oldest one,
कल्पना चावला हॉल ऑफ रेसिडेंस।